तो गाइस आज हम लोग आ गए थे कैलाश धाम घूमने के लिए। आज फ्री थे तो सोचे कि घूम ले, तो यहाँ मंदिर आ गए थे बब्बा के दर्शन करने। और बहुत प्यारा मौसम भी हो रखा था, हल्के हल्के बादल और ठंडी हवा चल रही थी। भर के रखा गया है कावर यात्रा, कावर कावरियों के लिए खुलता है यहाँ पे। पहले शूज वगैरह उतारे देते, शूज उतारने की जगह कहाँ भाई, मेला भी लगा। हाँ बंजी जंपिंग करना है गाइस, बंजी जंपिंग करना तो आ जाओ बंजी जंप। तो गाइस पहले चलते हैं अपन हनुमान जी के दर्शन करने, क्योंकि यहाँ बॉस भी बैठे हैं अपने। राम बहुत तेज पैर चल रहे थे उनसे। जय जय श्री राम। यहाँ आके जो अच्छा लगा ना मेरे को अपना कैलाश धाम का मंदिर, धूप की वजह से पैर भी जल रहे हैं। नंदी बैठे हैं, कहा जाता है कि अगर इनके कान में जो भी चीज़ बोल दो वो सच हो जाती है, तो यहाँ पे आओ और इनके कान में बोल। यहाँ पे कार्तिकेय जी बैठे हैं, यहाँ पे अपने गणेश जी बैठे हैं, और ये बैठे हैं अपने सीताराम। आया गया है यहाँ पे राम भगवान, यहाँ सीता जी, यहाँ लक्ष्मण जी, और ये हैं केवट केवट जी, उनके पैर धुला रहे हैं। देखो गाइस ये मूर्ति सिर्फ आपको हमारे यहीं मंदिर में देखा, मैंने तो गाइस यही अपने ही मंदिर में देखा हूँ, पहली बार देखा हूँ। यहाँ है महादेव हमारे पैर पड़ लें गाइस। मतलब कावर वाले दिन तो यहाँ दर्शन ही नहीं मिलते इनके। घंटी बजा जंप लेगी यहाँ पे तो गाइस दर्शन ही नहीं मिलते हैं। जब कांवर आती है तो बहुत मुश्किल है, तपस्या करके आना पड़ता है यहाँ पे। और आज देख लो इतने आराम से दर्शन हो जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। आज हम लोगों ने दर्शन वगैरह कर लिए और सीताराम सीताराम तो सुन रहे हो। अब अपन यहाँ से निकलते हैं घर। घर तो नहीं जाएंगे अभी, अभी और भी कहीं जाएंगे घूमने, तो जहाँ पे भी जाएंगे वो दिखाते रहेंगे ब्लॉग में। और ये अपने यहाँ का व्यू जो बहुत गजब का है, ये बंजी जंपिंग जिसको करना हो आ जाना, बंजी जंपिंग करना है आगे। बस कैलाश धाम से हम लोग आ गए थे यहाँ पे लाल पुल। ये लाल पुल में कहा जाता है यहाँ इतने मगर हैं कि कोई हिसाब नहीं है, मगरों की कोई गिनती नहीं है यहाँ पे, बहुत मगर है। और यहाँ का पानी भी देख लो पूरा ग्रीन है। और ये बारिश और ठंडी में घूमने लायक जगह है यहाँ। आप लोग बारिश में आओ, लेकिन ये है कि आप ठंडी में आओगे तो यहाँ जम जाओगे। देखो बारिश में हाँ ठंडी में मगर देखते क्योंकि धूप तापने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। और बाकी यहाँ का पानी देख लो, यहाँ का बहुत हरा पानी। अगर हम लोग को यहाँ मगर वगैरह दिखता है तो हम लोग जरूर आपको दिखाएंगे वीडियो में। वैसे भी हम मगर बहुत है गाइस, देख लो पूरा। बोला मैं नहाने उतरूंगा तो अरे तेरे को तो भाई कच्चा चबा जाएंगे। अभी हम लोग पुल से नीचे आ गए हैं पीछे बुलेट खड़ी करके, तो उसे नीचे से देखें अगर मगर देखे जाए तो अच्छी बात है। गुड रोड, यहाँ रोड क्या कुछ नहीं है, ये बस चलते जा रहे हैं नीचे नीचे। झंकाड़ी झंकाड़ी है चारों साइड। ये देखो परियट नदी, परियट डैम भी यहीं से पड़ता है, परियट नदी कहलाती है ये। यहाँ भैया फिशिंग कर रहे हैं, पूछते हैं बताओ भैया यहाँ पे मगर हैं? अरे बहुत मगर है भाई। अभी अगर कब देखेंगे? अभी अपन को अभी नहीं देखेंगे, दिखते हैं यार बीच बीच में निकलते हैं मालूम। तो किस साइड पे अधिकतर निकलते हैं? जहाँ ज्यादा व्यक्ति नहीं जाते। हाँ हाँ पत्थर के ऊपर बैठता मोड़ भैया बोल, वहाँ पे मोड़ में पत्थर के ऊपर बैठता है। कौन सा पत्थर भैया? वो नाव लेके चले हैं अपन अंदर, इसी बहाने एडवेंचर भी हो जाएगा। अगर तो दिख नहीं रहे अपन को, एक घंटा हो गया पूरा एक घंटा यहाँ खड़े खड़े, एक आध मगर दिख जाए मगर एक भी मगर नहीं दिख रहा। अब तो नीचे भी आ गए हैं, यहाँ पे लोग फिशिंग वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सावधानी से आना गाइस। भले ही हमको मगर नहीं दिख रहा है यहाँ, लेकिन बहुत मगर हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है अलग लोग फालतू की हरकत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग आओ तो ऐसी हरकतें ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। ऊपर बैठे लाल पुल के चढ़ के, अभी मर जाएंगे तो घर वाले बोलेंगे कि हमारा बेटा ऐसा था मर गया, इसलिए यहाँ पे आओ तो अच्छे से रहो, रूल्स वगैरह फॉलो करो। गवर्नमेंट ने जो रूल्स यहाँ पे बनाई है
क्या है, गवर्नमेंट के अंदर आता है एरिया, फैक्ट्रीज भी हैं यहाँ पे, आगे बम चेक होते हैं। अभी बमों की भी आवाज़ बहुत आ रही है यहाँ पे, बम और गोलियाँ चेक होती हैं यहाँ पे। तो गाइस मगर अगर तो देखे नहीं हम लोग को, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अगली बार आएंगे ठंड में अगर मगर देखेंगे तो दिखाएंगे जरूर। तो गाइस अभी हम लोग लालपुर से निकल के आ गए परशुराम जी के मंदिर, पीछे मूर्ति तो देख लो, और चलते हैं ऊपर। पानी भी बहुत तेज उठ रहा है यार, बारिश भी तो गीले हो ही जाएंगे, छुपने की कोई जगह नहीं। यहाँ पे बल्कि लोग भी मिल गए थे हम लोग को, देख लो मिल लो मारने को, मारने हारने जा रहे हैं। अब किसी को मारेंगे भैया लोग, अपन भी, अरे तुम भी ले लो ना, काटते हैं। चलो अपन चलते हैं, अपन नहीं लेंगे गाइस, लट अपने हाथ ही काफी है। किसी को मारने नहीं जा रहे हैं, ऊपर ही चढ़ने के लिए वो जुगाड़ जमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सीढ़ियां देखो, तो जंगल ही जंगल पेड़ के बीच से गई है रास्ता। चलो चलते हैं, बस सही सलामत ऊपर से घूम के नीचे आ जाए। यहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी है, गाड़ियाँ देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है, मतलब जंगल एरिया। ये चढ़ रहे हैं, ये देख लो भाई, मैं नीचे पाऊंगा। मेरा दोस्त तो अभी से खत्म होने लगा, से खाना नहीं खाया। ये बजरंग बली की मूर्ति है यहाँ पे, यहाँ पे देखो चमीटा मीटा भी है इनका, चमीटा रखा गया, त्रिशूल रखा गया। जगह मैं भी खड़ा हूँ ना, वो एक चट्टान है, ये परशुराम जी की मूर्ति एक चट्टान पे बनी है, आप खुद देख लो, ये मात्र एक पत्थर की चट्टान है बड़ी सी, बाकी चारों साइड खाई है। ये देखो यहाँ पूरे में खाई है, हवा इतनी तेज लग रही है ना यहाँ पे, तो फोटो भी नहीं ले पाऊँ। नीचे देखो भीड़ बकरी है कितनी छोटी छोटी सी लग रही, ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं यहाँ नीचे, और इतने ऊपर है तालाब वालाब सब, नीचे से इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऊपर से पूरा फिर जंगल पूरे गांव सब दिख रहे हैं, एक चीज़ बराबर। पानी भी आ गया है, ये सामने देखो भाई जी पूरा पानी है, ब्लैक ब्लैक तो दिख रहा है सामने, वहाँ पानी आ गया, अभी अपने पास नहीं आया लेकिन दिल्ली आ रहा है वो देखो सामने। तो पूरी मुंडी उठा के देख रहा हूँ तो भी नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ से, तो भाई सामने बारिश हो रही है, हम लोग इधर पत्थर में फंसे। देखो सबके सभी, इसको भी देखो, सभी आप पत्थर के बीच में बैठे हैं, बस पानी बंद हो जाए तो घर निकले, ब्लॉग बनाने के चक्कर में यहाँ फंस गए। देखो इसको सीता फल देख रहा है, भूखा है गाइस ये, इसको भूख लगी है, चतुर लेक टू। ये है परशुराम कुंड, और ये जो चट्टान देख रहे हो यहाँ पे, कहते हैं कि परशुराम के पैरों के निशान बने हैं, जो जब वो यहाँ से इस पार से उस पार कूदे थे तो उनके पैरों के निशान बन गए थे, इसलिए इस कुंड का नाम परशुराम कुंड रख दिया गया है। तो गाइस यहाँ बारिश बंद हो गई, अब हम लोग निकल रहे हैं घर, और वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।